गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी अरबी ब्लॉग। तो दोस्तों हाजिर हाँ थोड़े सामने एक नवी रिएक्शन वीडियो नाल। ते आज दी वीडियो विच असी गल करांगे इमरान खान साहब दी। सो जे वीडियो दी टाइटल दी गल करिए ते वीडियो दा टाइटल है सैवन थिंग्स अबाउट यू डोंट नो अबाउट इमरान खान साहब। सो इदा सैवन थिंग्स ने जो सत गल्लां कुछ गल्लां ने जो असी इमरान खान साहब बारे नहीं जानते ते असी अज जानने की कोशिश करांगे कि असी इहो जिहियां किहड़ियां गल्लां ने जो असी नहीं जानते, है ना। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो उस तो पहले तुसी कर दो साडे चैनल नूं सबसक्राइब जे नवे आए हो तां, ते बैल आइकन जरूर प्रेस करके जाए ताकि साडे वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन तुहानूं मिलन सब तो पहले। सो देखते हैं इस वीडियो विच की फैक्ट्स ने, की गल्लां ने जो सानूं नहीं पता, है ना। सो असी करते हैं वीडियो नूं स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक दफा इमरान खान को चोरों ने गन पॉइंट पर लूट लिया था? और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जंग के दौरान इमरान खान के साथ क्या हुआ था? और क्या आपको पता है कि जनरल जियाउल हक खान साहब के फैन थे? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर सेवन, रॉबरी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे चोर हैं जो गन पॉइंट पर लोगों को लूट लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2004 में ऐसे ही कुछ डाकुओं ने इमरान खान को भी लूट लिया था। 2004 में एक दिन खान साहब गाड़ी में अपने दो बेटों और एक मेड के साथ जा रहे थे कि इस दौरान एक कार ने इन्हें ओवरटेक किया। जैसे ही वो कार आगे आई तो इसने खान साहब की गाड़ी के आगे आकर ब्रेक लगा दी। इसमें से चंद गुंडे निकले और इमरान खान साहब और इनके बेटों के मोबाइल, पर्स, क्रेडिट कार्ड और सारी कीमती चीजें चोरी कर ली। लकीली इन क्रिमिनल्स ने इमरान खान को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। वेल, बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर सिक्स, बेनजीर भुट्टो। दोस्तों आप सब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो जानते होंगे। ये पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी और ये दुनिया की पहली ऐसी खातून है जिनको किसी इस्लामी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम नेशन के रूलर सिर्फ मर्द होते हैं, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बेनजीर भुट्टो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी तो सेम टाइम पर इमरान खान भी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रहे थे। ये 1972 का दौर था और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। बेनजीर भुट्टो और खान साहब दोनों को ही उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इवन कि इमरान खान का तो दूर दूर तक उस वक्त सियासत से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इन दोनों का नाम ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। वेल, ये कोइंसिडेंस रियली बहुत रेयर था। नंबर फाइव, सिस्टर्स। दोस्तों ये बात तो आप सबको पता ही होगा कि इमरान खान के दो बेटे हैं और इनकी तीन दफा शादी हुई है, लेकिन शायद आप में से काफी सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि खान साहब की चार सिस्टर्स भी हैं। इमरान खान अपनी चार बहनों के अकलौते भाई हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी सिस्टर का नाम रुबीना खानम है और इसके अलावा इनकी तीन और सिस्टर्स हैं जिनके नाम अलीना, उज्मा और रानी है। रुबीना खानम जो की इमरान खान की बड़ी बहन है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जीनियस स्टूडेंट थी और इस वक्त यूनाइटेड नेशन में सीनियर पोस्ट पर है। इसके अलावा इनकी दूसरी सिस्टर अलीना खानम है जो कि कामयाब बिजनेस वुमेन है और लाहौर में टेक्सटाइल कंपनी चलाती हैं। खान साहब की तीसरी बहन उज्मा खानम है जो कि लाहौर के हॉस्पिटल में सीनियर क्वालिफाइड सर्जन है। मोर ओवर इमरान खान की सबसे छोटी सिस्टर रानी खानम है जो की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है और चैरिटी एक्टिविटीज में काम करती है। वेल, इमरान खान ना सिर्फ खुद बल्कि इनकी पूरी फैमिली एजुकेटेड और वेल सेटल्ड है। नंबर टू, टू बर्थ डेट। दोस्तों दुनिया के हर शख्स की डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है जिस दिन वो पैदा होता है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इमरान खान की एक नहीं बल्कि दो दो बर्थ डेट्स हैं? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में इमरान खान साहब की असल डेट ऑफ बर्थ में सबको कंफ्यूजन है। इनके आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1952 लिखी हुई है, जबकि इंटरनेट की तमाम बायोग्राफी वेबसाइट इंक्लूडिंग विकीपीडिया पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 लिखी हुई है। सो खान साहब के फैन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनका असल बर्थडे कब मनाया जाए। नंबर थ्री, जनरल जियाउल हक। दोस्तों जनरल जियाउल हक एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये पाकिस्तान के दूसरी आर्मी चीफ थे और इवन के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल जियाउल हक इमरान खान के बहुत बड़े फैन थे? आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1987 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप में हारने की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। जब जनरल जियाउल हक को ये बात पता चली तो इन्होंने इमरान खान को बुलवाया और इन्हें कहा कि वो क्रिकेट में वापस
वापस आ जाएं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड करें। खान साहब जनरल जियाउल हक की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए इन्होंने फौरन जियाउल हक साहब की बात मान ली। इवन के इसके बाद खान साहब का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया था और इन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बना दी थी। अगर जियाउल हक साहब इन्हें वापस ना बुलाते तो शायद पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। नंबर टू बांग्लादेश। दोस्तों आप सब ये बात जानते हो कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। फिर 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त इमरान खान ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में मौजूद थे। लेकिन लकीली जंग से पहले ढाका से जो आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान आई थी, इमरान खान साहब इसमें पाकिस्तान वापस आ गए थे। ये फ्लाइट जैसे ही पाकिस्तान में लैंड हुई थी, इसके अगले ही दिन पाकिस्तान आर्मी ईस्ट में दाखिल हुई थी और जंग का आगाज हो गया था। वेल ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। नंबर वन बुक राइटर। दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं कि इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े स्टार थे और दुनिया में इनकी पहचान क्रिकेट की वजह से ही हुई थी। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि खान साहब सिर्फ प्लेयर और पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक राइटर भी हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक नहीं बल्कि 5-5 बुक्स लिखी हैं। खान साहब ने अपनी पहली बुक 1988 में लिखी थी जिसका नाम ऑल राउंड व्यू था। इसके बाद इनकी सेकंड बुक इमरान खान क्रिकेट स्किल्स थी जो इन्होंने 1989 में लिखी थी। फिर 1990 में इन्होंने इंडस जर्नी लिखी थी जो पाकिस्तान पर बेस्ड थी। इसके बाद 1993 में इनकी एक और बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम वॉरियर रेस था। इमरान खान ने 2011 में भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री है। ये सच में कमाल है। सो गाइज ऐसे वीडियो जिंदे विच सानू वाकई ये गल्ला इमरान खान साहब बारे नहीं सन पता। सब तो पहली गल ते उन्हां नूं 2004 विच चोरां ने उन्हां ते डाका मार दिता सी ना। सो वाकई पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन ते नाल एक इदां दा हादसा होना जदों उनकी फैमिली नाल होए पहली बार सुनिया मैं है ना। सो ते दूसरी गल जदों इन्होंने वर्ल्ड कप तो मतलब वर्ल्ड कप जिताया उस तो पहले उन्होंने क्रिकेट छोड़न का फैसला कर लिया सी। लेकिन प्रेसिडेंट दे कहने उन्होंने फिर दोबारा तो ज्वाइन किया ते पाकिस्तान नू वर्ल्ड कप जिताया। वाकई यह भी बहुत वड्डी गल है। ते दूसरी गल कि इन्हां दी पूरी फैमिली वैल एजुकेटिड है, वैल सैटल्ड है ते आप भी काफ़ी मतलब एजुकेटेड नहीं हो ते सिस्टर्स भी अगो बेटे भी इन्हां दे पूरी फैमिली काफ़ी अच्छी है यानी कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है इन्हां दा। सो काफ़ी वधिया लगी है यो वीडियो सानू और भी गल्लां जिहड़ियां इन्हां ने दसियां बहुत वधिया लगियां। सो वाकई है सानू गल्लां नहीं सन पता। सो सानू हर एक बंदे बारे ज़्यादा नॉलेज नहीं होंदी ते सानू किधरों भी अगर नॉलेज मिले ते सानू ग्रैब कर लेनी चाहीदी है ना। सो काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, तुहानू किदां दी लगी तुसीं जरूर कमेंट सैक्शन विच कमेंट करके दस्यो गाइज। ते जे तुहाडी कोई फरमाइश है ते सानू करियो इंस्टाग्राम ते फॉलो ते करियो डीएम ते नाल दी नाल तुसीं कमेंट सैक्शन विच भी कमेंट कर सकदे हो। क्यों? क्योंकि तुसीं इंस्टाग्राम ते सानू फॉलो नहीं कर रहे गाइज। सो प्लीज़ उत्थे भी फॉलो करिया करो। ते अज मैं कल्ले ही वीडियो कीती है ते तुहानू किदां दी लगी मेरी ये परफॉर्मेंस जरूर कमेंट सैक्शन विच दस्यो। हालांकि विक्रम मेरे नाल हुंदे ने बट अज नहीं हैगे। सो इस करके मैं कल्ली कीती है ते वीडियो। ओके गाइज तुहानू किदां दी लगी तुसीं जरूर दसना है ते इत्थे ही साडे चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करके जायो। टिल देन बाय बाय टेक केयर। मिलने एक नवी वीडियो विच। ओके राम राखा।